यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बेहतरीन शेयर के बारे में, एक लार्ज कैप है और एक मिड कैप है, लेकिन दोनों काफी बेहतरीन स्टॉक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से है। इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि आपके लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट को करोड़ों में कन्वर्ट कर सकता है। तो आइए इस स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये एक मिड कैप कंपनी है। देखिए 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ये काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को हमेशा ये स्टॉक, और जब भी गिरावट मिलता है उस समय इन्वेस्ट करना है। तो पहले कंपनी बिजनेस को जान लेते हैं। देखिए 1976 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और यहाँ पर देखिए इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है, ये कंपनी इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट पर पूरी तरह से पकड़ रखती है, इसलिए कह रहे हैं कि ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है क्योंकि ये क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है और बहुत ही चीप कॉस्ट पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। 47% रेवेन्यू जो डोमेस्टिक मार्केट से आता है, 53% रेवेन्यू जो इंटरनेशनल मार्केट से आता है, मतलब रेवेन्यू जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इंटरनेशनल मार्केट में यूएस मार्केट पे अच्छा खासा पकड़ है, कनाडा मार्केट पर, मैक्सिको, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मतलब यहाँ पर हम चाइना रशिया को छोड़ दें तो पूरे वर्ल्ड वाइड इस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो डिमांड में है। तो इतनी बेहतरीन कंपनी है जिसका ग्लोबली काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है और एक मिड कैप कंपनी है और इस कंपनी में पूरी तरह से एक लार्ज कैप बनने का पोटेंशियल है। अब बात करें करेंट प्राइस का, तो 1,892 रुपीज़ इसका लगभग करेंट प्राइस है। डिविडेंड यील्ड के बाद 0.45% डिविडेंड यील्ड है, एक ग्रोथ वाला स्टॉक है और ग्रोथ वाले स्टॉक में आपको डिविडेंड यील्ड जो जैसे जैसे शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो आपको कम होता हुआ नजर आएगा। प्रमोटर्स होल्डिंग 55.9%, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। डेट इक्विटी मात्र 0.2, मतलब वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है। तो बेहतरीन कंपनियां हैं, काफ़ी डेट फ्री है, हर पैरामीटर्स पे काफ़ी बेहतरीन है। अगर यहाँ पर प्रोज कॉन्स देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी जो है डिलीवर किया है गुड प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 26% का CAGR का प्रॉफिट ग्रोथ है, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 26%, तो डिविडेंड पे आउट भी काफ़ी बेहतरीन है, 26% का डिविडेंड पे आउट दिया है। बुक वैल्यू से 8x पे कंपनी है, ये कौन सा है, ये कौन सा बिल्कुल भी जायज नहीं है क्योंकि अच्छे स्टॉक्स आपको हमेशा बुक वैल्यू से महंगे प्राइस में ही मिलेंगे। सेल्स ग्रोथ 11% का CAGR रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है, तो सेल्स ग्रोथ कुछ खास बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है सेल्स ग्रोथ। इस प्रकार अगर कंटिन्यूस रूप से ग्रो होता है तो निश्चित रूप से काफ़ी बेहतरीन करने वाला है कंपनी आने वाले समय में। पीयर्स की बात करें तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, बड़े बड़े इसके पीयर्स भी हैं जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव, मतलब काफ़ी टक्कर देने वाले हैं इस कंपनी को। अब बात करें यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट का, तो देखिए सेल्स कितना ग्रो हुआ है, मात्र 2010 में 739 करोड़ का था जो कि बढ़ करके हो गया 2043 करोड़ का, तो देखिए 3x हो गया यहाँ पर सेल्स 10 सालों में, तो काफ़ी बेहतरीन है। अब प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर, तो 119 करोड़ का था 2010 में जो कि बढ़ के हो गया 448 करोड़ का था, प्रॉफिट में ग्रोथ तो काफ़ी बेहतरीन है जिसको आप यहां पर देख सकते हैं कि जो सेल्स में ग्रोथ है वो 9% का दिखा रहा है 10 ईयर्स में कंपाउंड ग्रोथ, अगर 5 ईयर्स में तो बात करें 11% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रहा है सेल्स का। प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए 27% का 5 ईयर्स में, तो काफ़ी पिछले 5 ईयर्स में कंपनी का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, काफ़ी ग्रो हुआ है। अगर स्टॉक के प्राइस की बात करें 5 ईयर्स में 48% का CAGR दे रहा है और 10 ईयर्स में 30% का CAGR, तो कितना बेहतरीन रिटर्न है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड ये भी काफ़ी बेहतरीन है, देखिए 36% का है रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.6 का, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। अब बात करें बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट भी काफ़ी बेहतरीन है कंपनी का। शेयर कैपिटल देखिए 17 करोड़ से घट करके हो गया 15 करोड़, रिजर्व जो कंपनी का काफ़ी बढ़ा है 551 करोड़ से बढ़ करके 1794 करोड़ हो चुका है। अगर डेट की बात करें तो डेट लगातार रिड्यूस किया है कंपनी, देखते हैं काफ़ी कम डेट हो चुका है, मात्र 33 करोड़ का डेट जो कंपनी कभी भी पे कर सकता है क्योंकि कंपनी का इससे 10 गुना से भी ज़्यादा कंपनी का नेट एनुअल प्रॉफिट है, इतनी बेहतरीन ये कंपनी है। अगर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फ्री कैश फ्लो कंपनी ने जनरेट किया है। रिटर्न कैपिटल इंप्लाइड ये तो आपने देख लिया काफ़ी बेहतरीन हो चुका है। डेबिटर्स डेज काफ़ी इंप्रूव हुआ है, देखते हैं मात्र 17 डेज यहाँ पर हो चुका है जो कि हम कंपेयर करते हैं इसके
जो पीयर्स हैं, पीयर्स के डेबिटर्स डेज कितने हैं उससे, और इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें ये भी काफ़ी बेहतरीन है। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। अब इन्वेस्टर की बात करें तो देखिए प्रमोटर्स का स्टेक लगातार कॉन्स्टेंट बना हुआ है, FIs का स्टेक भी अच्छा खासा है 8%, DIs का स्टेक भी अच्छा खासा है 13%, पब्लिक का स्टेक भी अच्छा खासा है 22%। इस अच्छे स्टॉक में पब्लिक का स्टेक अच्छा खासा है, तो ये बेहतरीन स्टॉक है। अब चार्ट दिखाते हैं, चार्ट पे तो ये स्टॉक और भी काफ़ी सॉलिड दिखेगा, क्योंकि शेयर प्राइस का जो आपने ग्रोथ देखा वो तो काफ़ी ज़्यादा है, 48% का CAGR है। तो देखिए यहाँ पर जेबी केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स का देखिए चार्ट कितना सॉलिड है, यहाँ पर ये चार्ट, यहाँ जो 2020 से रैली आया ये तो काफ़ी गजब है, 325 रुपीज़ से ये 1892 रुपीज़ पर पहुँच चुका है, तो यहाँ पर लगभग 600% का गेन मिल रहा है, तो जो कि काफ़ी सॉलिड है। तो जब ये शेयर प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा हो तो यहाँ पर कभी ना कभी थोड़ा बहुत आपको गिरावट भी दिखा सकता है, अगर कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में कभी भी गिरावट होता है तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस तरह से शेयर प्राइस बढ़ रहा है उसी तरह से कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में भी इंक्रीज होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है, तो उस समय आपको बाय करना है जब ये कंपनी का शेयर प्राइस कंसोलिडेट होकर के नीचे आता है, तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। अब जो दूसरा स्टॉक है वो है पॉलीकैब इंडिया, ये भी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है अपने सेक्टर का। देखिए ये कंपनियों के भी बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, देखिए फैंस बनाती है कंपनियाँ, स्विच गियर बनाती है, स्विच बनाती है, LED लाइट बनाती है, सोलर इन्वर्टर बनाती है, पंप बनाती है, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं इसके जो कि काफ़ी मतलब डाइवर्सिफाइड है। देखिए यहाँ पर ये फैन बनाती है कंपनियाँ, ये लाइटिंग बल्ब बनाती है, फिर यहाँ पर केबल बनाती है कंपनी, वायर बनाती है। प्रोडक्ट देखिएगा, प्रोडक्ट का रेंज कितना बेहतरीन है, ये देखिए होम मतलब अप्लायंसेस जो होते हैं, मतलब घर में जो यूज होने वाले ये सारे सामान होते हैं वो बनाती है कंपनियाँ। फिर यहाँ पर देख लीजिए कंपनियाँ जो स्विच गियर होती है, सोलर पावर में जो यूज होती प्रोडक्ट वो सारी बनाती है, EPC बनाती है। फिर यहाँ पर नीचे चलिए तो देखिए यहाँ पर मोटर बनाती है, पंप बनाती है, और यहाँ पर स्विच भी बनाती है, तो ये सारे प्रोडक्ट है पॉलीकैब के, और लीडिंग मैन्युफैक्चरर है पॉलीकैब, जो है नंबर वन मैन्युफैक्चरर है वायर और केबल का, 18% का यहाँ मार्केट शेयर है, तो देख सकते हैं 18% मार्केट शेयर के साथ नंबर वन कंपनी है, और मार्केट कैप 28,000 करोड़ का, एक लार्ज कैप कंपनी है क्योंकि अपने बिजनेस में भी वेल एस्टेब्लिश है, लेकिन ज़्यादा लिस्टेड पुरानी लिस्टिंग नहीं है कंपनी का, 2-4 साल ही हुआ है। करंट प्राइस 1,936 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड की बात है 0.52 का है। अब बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का, 68.4% का प्रमोटर्स होल्डिंग है इसमें, डेट टू इक्विटी की बात करें 0.05 है, अगर टोटल डेट की बात करें 249 करोड़ का टोटल डेट है कंपनी के ऊपर, नेट प्रॉफिट की बात करें 882 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और रिजर्व की बात करें 4,605 करोड़ का रिजर्व है कंपनी का। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। अगर हम बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स का, तो प्रोज में कंपनी डेट फ्री है, अगर प्रोज में बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ 36% का है, और कॉन्स में बात करें तो सिर्फ एक है कि सेल्स ग्रोथ 11% का है CAGR, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, 11% से ही ग्रो करता रहे तो काफ़ी बेहतरीन है। अब अगर इसके पीयर्स की बात करें, पीयर्स में फिनलॉक्स केबल है, KI इंडस्ट्री है, यूनिवर्सल केबल है, तो इसके पीयर्स में भी काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनियां हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट और सेल्स का, सेल्स देखिए 2014 में मात्र था 3,986 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 8,927 करोड़ का, तो काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ पिछले 7 सालों में। अब बात करें नेट प्रॉफिट का, तो 2014 में था 142 करोड़, जो कि बढ़कर हो गया 1,065 करोड़, 142 करोड़ था 2014 में, जो कि बढ़कर हो गया 1,065 करोड़, काफ़ी ज़बरदस्त यहां प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखिए 5 ईयर्स में 11% CAGR से सेल्स का ग्रोथ है, वहीं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो है 36% का। और वहीं बात करें स्टॉक प्राइस का, तो ये अभी काफ़ी नई लिस्टिंग है, तो इसमें हम अभी कुछ खास नहीं देख सकते हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, मतलब हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%। अगर बैलेंस शीट की बात करें, शेयर कैपिटल देखिए 71 करोड़ था, और वहाँ से बढ़कर के 149 करोड़ हुआ है शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी लिस्ट हुई है तो वहाँ से शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है। रिजर्व की बात करें, 2014 में था 1,412 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास, और वहाँ से लगातार रिजर्व इंक्रीज हुआ, और 2021 में हो चुका है 4,605 करोड़ का रिजर्व। अगर वहीं बोरोइंग की बात करें, जो डेट है कंपनी के ऊपर वो 458 करोड़ का था 2014 में, जो कि लगातार घटते घटते यहाँ पर हो चुका है 249 करोड़ का, तो लगातार कंपनी का जो डेट है वो डिक्रीज हुआ है। और वहीं कैश फ्लो की बात करें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी हमेशा फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है देख सकते हैं, और नेट कैश फ्लो जो है वो भी पॉजिटिव रहा है, तो कंपनी
काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पर फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही हम मुख्य रूप से देखते हैं कि फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है या नहीं। अब जो डिफरेंट रेशियोज है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये तो काफ़ी बेहतरीन है, 24% है अभी। डेबिटर्स डेज ये भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है देख सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स में है, तो यहाँ पर 68% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर FIs का होल्डिंग 6.38% है, DIs का होल्डिंग 9.91% है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। पब्लिक का होल्डिंग 15.29 है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इस अच्छे कंपनियों में पब्लिक की होल्डिंग भी अच्छी खासी है, तो ये दो ज़बरदस्त स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में भी ये दोनों स्टॉक्स हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी गिरावट मिले तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बात करें पॉलीकैब के चार्ट का, तो चार्ट देखिए, यहाँ पर कंपनी 2019 में ही लिस्ट हुई, और लिस्ट जहाँ हुई 666 रुपये से, तो वहाँ से गिरावट दिखाया और ये स्टॉक आया 540 रुपीज़ पे, और 540 से फिर ये स्टॉक गया 1170 रुपीज़ तक, और वहाँ से फिर गिरावट दिखा था और फिर से ये स्टॉक आ गया 570 रुपीज़, और 570 रुपीज़ से ये स्टॉक लगातार 2000 तक का जर्नी तय कर चुका है। अब यहाँ से अगर गिरावट होता है तो आप बाय कीजिए, या तो यहाँ ब्रेकआउट होता है 2000 के प्राइस के ऊपर निकलता है तो बाय कीजिए, अगर गिरावट आता है तो जो मेजर सपोर्ट होगा, जो बड़ी गिरावट होगा, तो वो लगभग 1400 के आसपास तक ये स्टॉक आ सकता है मैक्सिमम, उससे नीचे की संभावना कम है। ऐसे में स्टॉक अपने बिजनेस में मार्केट लीडर है, तो बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि कंपनी वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, सेल्स जनरेट कर रही है, तो टेम्प्रोरी बेसिस पर किसी कारण से आपको गिरावट इसमें आ सकता है, तो वहाँ पर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।